से कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। दो लोगों ने मिलकर के साथ में अफर्म किया, विजुलाइज किया और मैनिफेस्ट कर लिया। एक ही घर के दो लोग थे और कैसे किया है ये चलिए देखते हैं। नाम दिया नहीं है इन्होंने, इसलिए इनका नाम मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ। इन्होंने लिखा है, मेरे पापा बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हैं और मेरा फर्स्ट ईयर और मेरी सिस्टर का लास्ट ईयर ही था कि वो अप्लाई कर सकती थी। उसके बाद में उनको कभी भी ये अप्लाई करने के लिए चांस नहीं मिलता इस जॉब के लिए। लेकिन मेरे पापा ने कह दिया था कि घर से बाहर जा करके पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और मेरा तो फर्स्ट ईयर था, लेकिन मुझे अपनी सिस्टर के लिए बहुत टेंशन था। मैं चाहती थी कि मेरी बहन आगे बढ़े और ये एग्ज़ाम को क्रैक कर सके और जा करके हमारे घर के अंदर एक नया नाम रोशन कर सके। और मैं अपने लिए भी चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो फर्स्ट ईयर ही है और मेरी बहन को तो कभी ये चांस ही नहीं मिल पाया। उसने बहुत ट्राई किया बोलने के लिए, लेकिन मेरे पापा कभी नहीं माने। इस बार तो वो रोने लगी और बोली, इसके बाद कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एज भी होती है कुछ और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो मैटर करती हैं। और अगर पापा इस बार भी नहीं माने तब तो मैं ये सपना ही छोड़ दूंगी। फाइनली मेरी एक कज़न सिस्टर ने आपका वीडियो मेरी दीदी को भेजा और मेरी दीदी ने कहा मुझसे कि क्या ये पॉसिबल है, ऐसा होता है क्या। और उसके बाद आपके वीडियोस देखते ही चले गए हम दोनों ने अफर्मेशन वाली आपकी टेक्निक को अपनाया और विजुअलाइजेशन वाली टेक्निक को अपनाया। मैं और मेरी बहन साथ में ही विजुअलाइज करते थे कि हम दोनों ही जा रहे हैं। मेरी बहन लास्ट टाइम ही भर सकती थी वो फॉर्म और मेरी पहली बारी थी। मेरी बहन ने इसके पहले ऑनलाइन दो बार ट्राई किया हुआ है, लेकिन जो जा करके होता है, जो पढ़ाई वहाँ पर हो करके हो सकती थी, वो घर से और ऑनलाइन चीज़ों में नहीं हो सकती थी। वैसे ही कोविड की वजह से भी मेरी सिस्टर के लिए कह सकते हैं कि एक बहाना सा बन गया था कि वो नहीं जा पाई। लेकिन पापा का नेचर देख करके तो इम्पॉसिबल था कि वो अब भेजेंगे भी किसी को। तो यहाँ पर बहुत बुरी मुसीबत में फंस गए थे और मेरे पापा ने सीधा कह दिया था, जो भी पढ़ाई करनी है यहीं से करो, जो भी फॉर्म भरने हैं यहीं से भरो, ऑनलाइन करो, कुछ भी करो, लेकिन कहीं और जा कर के पढ़ने की और फॉर्म भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम फिजिकल ही करना चाहते थे और इस बार मौका भी था, क्योंकि कोविड के बाद में सारी चीज़ें ओपन हो चुकी थी। अब हमने सोच लिया था कि हम ये करेंगे। हम रोज़ डेली विजुलाइज करने लगे और अफर्म करने लगे। यहाँ तक कि दो बार सिर्फ अपने पापा को वाटर अफर्मेशन दे पाए हैं कि पापा मान गए हम दोनों को वहाँ पर भेजने के लिए। उसके बाद हमें ऐसा लगा कि इस चीज़ को यहीं छोड़ देना चाहिए और घर पर तैयारी करनी चाहिए। मैं भी पढ़ रही थी, मेरी सिस्टर भी पढ़ रही थी, क्योंकि फॉर्म तो जब भरना है भरना ही है। जो भी तैयारी हम यहाँ पर रह करके कर सकते हैं वो तो हम करेंगे ही। तो हम दोनों अपनी तैयारी करने लगे और इन्हीं चीज़ों के बीच में एक दिन पापा आए और उन्होंने कहा कि ताऊ जी ने कहा है कि तुम दोनों को भेजना है, लेकिन एक ही शर्त पर, कि तुम दोनों पास हो करके दिखाओगी, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी इज्जत है और सब लोग यही कहेंगे कि बेटियों को भेज दिया और भेजने के बाद में मिला क्या। तुम जानती हो कि पहले फैमिली में क्या हो चुका है। एक्चुअली हमारी फैमिली में इस तरीके की दो चीज़ें पहले हो चुकी हैं, जहाँ पर लड़कियों ने गलत चीज़ें कर दी थी बाहर जा करके। इस वजह से भी मेरे पापा इस चीज़ के बिल्कुल ही अगेंस्ट थे, लेकिन मेरे ताऊ जी और मेरे पापा ने बैठ करके डिस्कस किया। फाइनली ये नतीजा निकला कि हम दोनों को जाने का मौका मिल गया। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर ने फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया और उसका हो गया। अब मेरे पापा को ये बात का बहुत अफसोस है कि मैंने अपनी बेटी के 2 साल बर्बाद कर दिए, क्योंकि कोविड के बीच में भी एक बार ऐसा मौका आया था जब हम वहाँ जा सकते थे और मेरी सिस्टर एग्ज़ाम दे सकती थी, लेकिन मेरे पापा ने जाने नहीं दिया था। और इस बार चीज़ें मेरे ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि मैं थोड़े से मार्क्स से रह गई। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ दी, मैं आपके साथ में ज़रूर अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी।
अपनी सिस्टर की आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, मेरा पक्का वादा है, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं अपने पापा से भी यही प्रॉमिस करके आई हूँ। और आप तो स्टोरी इतने सारे लोगों के सामने पढ़ोगे, सबके सामने प्रॉमिस कर रही हूँ, नेक्स्ट स्टोरी में मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगी कि मैं भी पास हो गई हूँ। फिलहाल मैं अपनी बहन के लिए और अपने पापा के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं यहाँ आ गई हूँ इस चीज़ के लिए भी बहुत खुश हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड थैंक यू शांभवी दी, थैंक यू। देखिए इसके अंदर लेट गो है, देखिए इसके अंदर एक जज्बा है, देखिए इसके अंदर एक जुनून है कि मुझे करना है, बस मुझे करना है, बस मुझे करना है ना। सिस्टर के लिए भी टेंशन लगी पड़ी है, उसके 2 साल निकल गए हैं, लास्ट ईयर ही है जब वो फॉर्म भर सकती है, वहाँ जा करके एग्ज़ाम दे सकती है। यस, पिछले 2 सालों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कोविड की वजह से कि कुछ चीज़ें हो पा रही थी, कभी कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही थी, तो उसी बीच में ठीक है बहाना भी मिल गया कि इसलिए नहीं हो पाया सिस्टर का, लेकिन हो गया। उन्होंने एक ही बार जा कर के वहाँ पर दिया और उनका एग्ज़ाम जो था वो क्लियर हो गया है, इनका कुछ मार्क्स से रह गया है, ठीक है। इन्होंने हम सब के सामने ये प्रॉमिस किया है कि ये इसे क्लियर करेंगी, और हम सब की ढेर सारी विशेज, ढेर सारी प्रेयर्स, ढेर सारा प्यार और ढेर सारी पावर आपके साथ में है, आप ज़रूर पास हो जाएंगे। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे खींचे ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।